हेलो दोस्तों, दिस इज अजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं मोस्ट रिलेटेड आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके वीडियोस पर व्यूज आएंगे, उसके साथ साथ आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं मोज पर, सब चीज़ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफी असम होने भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, इस वीडियो में आपके लिए बनाते रहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ और इससे कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ये आपके सामने स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो। ओके, हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कम कर देते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मोज ज़रूर चेक करते हैं कि कोई नया अपडेट्स तो नहीं है। यहाँ पर आपको अपडेट्स दिखाई दे रहा है जो कि 9th of March, मतलब कल परसों ही डायरेक्टली इसका एक नया अपडेट्स आ गया है। कुछ नहीं, 5 या 10 सेकंड लगेंगे आपका और ये आपका अपडेट्स हो जाएगा। देखिए, मोज बहुत ही नए नए फीचर्स लेकर आ रहा है। इसमें ऐसा है कि भाई, अगर किसी के 100K, मतलब 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से 10 लाख के बीच में किसी के फॉलोअर्स, उनको अलग ही एक कैटेगरी दी जाती है जिसमें लोग उस पर क्लिक करेंगे तो अलग ही उनको दिखाई देंगे कि भाई मोजी है। ओके, तो जैसे कि स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो देखिए मोज और ये बीटा वर्जन हो गया, शेयर चैट, एमएस टकाटक के भी शेयर चैट। तो एमएस टकाटक और मोज से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे डालते रहता हूँ। तो चलिए, ये हो गया आपका मोज। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसे मोज। देखिए, ये आपके पूरे वीडियोस आपको यहाँ पर फॉर यू पे दिखाई देगा और इसमें एक लाइव फीचर्स भी आ गए। इस पर भी मैंने वीडियोस बना चुका है किस तरीके से आपके इसमें लाइव दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर नीचे नीचे करते आता हूँ तो आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा। देखिए, ये फॉर यू पे पूरे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राइजिंग मोजी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइजिंग मोजी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि भाई राइजिंग मोजी किसे कहते हैं और किसका इसका क्राइटेरिया क्या है। आपके 1 लाख से ज़्यादा 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख से बीच में आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक भी रहेंगे या उससे भी ज़्यादा रहेंगे तो आपके डायरेक्टली आपको राइजिंग मोजी का टैग मिल जाएगा। आपके ओरिजिनलिटी, प्रोफाइल एंड कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल होना चाहिए। रूल्स है, मोज गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड थ्रॉट, मोज की जितनी भी गाइडलाइंस है उसे आपको ध्यान से देखना है। टॉप राइजिंग मोजी ये सभी लोगों को मिल चुका है, ठीक है। मोर बैच कौन सा है, स्टार मोजी और ट्रेंडी मोजी, ये भी बैच इनको मिल जाएगा। बैच रिमूवल की भी गाइडलाइंस है, उसमें मैं अलग से वीडियोस बना लूँगा। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से बैक। ओके, और यहाँ पर आपको राइजिंग मोजी है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगे क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही है। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा है स्टार मोजी, स्टार मोजी है और मोज फॉर क्रिएटर स्पार्क बैच। अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मोज फॉर क्रिएटर स्पार्क बैच मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पर, आप क्या कर सकते हैं, कैश रिवॉर्ड, हर हफ्ते पैसा कमा सकते हैं, ब्रांड कोलेब्रेशन करके पैसा कमा सकते हैं, रेफर करके पैसा कमा सकते हैं। और अगर इसके स्टोर में क्या है, परफॉर्मेंस इनसाइड है, बैच मिल जाएगा आपको प्रोफाइल के लिए, जिसके यहाँ पर नीचे में आपको दिखाई दे रहा है स्पार्क बैच, ठीक है। क्रिएटर इवेंट्स रहेगा, डायरेक्ट कम्युनिटी कर सकते हैं मोज टीम से आप, ठीक है। गिफ्ट मिलेगा मोज की तरफ से। अर्ली एक्सेस टू न्यू फीचर, न्यू फीचर सबसे पहले आपको दिया जाएगा, लाइव भी आएंगे तो आपको दिया जाएंगे, कोई नया फीचर्स आता है तो उससे सबसे पहले आपको बताया जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मोज फॉर क्रिएटर। इसे कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ नहीं, 3 मिनट लगेगा आपका और डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो आपको 3 सेकंड में ही बता दूंगा। कंप्लीट एप्लीकेशन यहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं या आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मोज फॉर क्रिएटर, इस पर भी क्लिक करेंगे तो कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, किस चीज़ से रिलेटेड आप वीडियोज़ बनाते हैं, एक्टिंग, कॉमेडी, फन, अगर आपको लगता तो न्यूज़, ऑब्जेक्ट, फोटोग्राफी, ट्रैवल, वीडियो गेमिंग। जैसे कि मेरे फोटोग्राफी है तो मैंने फोटोग्राफी सेलेक्ट किया। कंप्लीट मोज प्रोफाइल, मोज प्रोफाइल मैंने कंप्लीट कर चुका है तो वहाँ पर आपको राइट टिक दिखाई दे रहा है। पर क्रिएट 5 मोर वीडियोज़, आपको 5 वीडियोज़ बनाना है जिसमें से आपका 1 वीडियो तो भी मोज कैमरे से बनना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मोज क्रिएटर्स में सिलेक्ट हो चुके हैं। इस तरीके से आपको एक मैसेज दिखाई देगा, इस तरीके से मैसेज आएंगे तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर डायरेक्टली टीम आपसे बात करेंगी। ओके, उसके बाद हम बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वैलेट, जिसमें वैलेट पे क्लिक करते हो आपको कुछ चेयर्स दिखाई दे रहा है। इसमें जो चेयर्स है वो क्या है, आप इससे रिचार्ज भी कर सकते हो। अगर मैं क्लिक करूँगा तो 19 रुपीज़ का मुझे 60 मिलेगा। ये क्या काम में आता है, ये जब कोई भी लाइव आता है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं चेयर्स, ठीक है। तो ये चेरीज जो बोलते हैं आपका, तो वो आप दे सकते हो उसको 320 में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और पे कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ से बैक आऊँगा तो यहाँ पर आपको मिंट दिखाई दे रहा है जिसे रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के लिए कम से कम एक मिंट होना आपके अकाउंट में ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर बैंक अकाउंट पूछे जाएंगे, बैंक अकाउंट के साथ IFSC कोड आपका नाम डालेंगे तो डायरेक्ट जितना भी पैसा रहेगा, और ये पैसा कहाँ से मिलेगा, जब आप कुछ लाइव आते हैं उनके तरफ से आपको क्या मिलता है, चीयर्स आपको दी जाती है, और उसके बाद उससे मिंट में कन्वर्ट करके आपके इसमें मिंट में वो चीज़ें दिखाई देती है, या कभी कोई रिवॉर्ड्स आपको मिलता है तो वो सब चीज़ आपको मिंट में दिखाई देने लग जाता है। अगर आपको लगता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, पर मैं आपको इसमें वो चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके लाइक्स और व्यूज़ बढ़ेंगे इसमें। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखिए आपको क्रिएटर हब दिखाई दे रहा है, क्रिएटर हब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको प्ले दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई दे रहा है गाइड। ठीक है, देखिए अगर मैं प्ले पे देखता हूँ तो यहाँ पर आपको इनसाइट दिखाई देंगे। इनसाइट में क्या है, कितने प्लेस हुए हैं, कितना एंगेजमेंट हुआ है, कितने फॉलोअर्स है, कितने बार प्रोफाइल देखी गई है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पर आपको डेली वीडियोस अपलोड करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 15 वेज टू इंक्रीज मोच व्यूज़ एंड गेट मोर फॉलोअर्स, 15 तरीके इसमें बताए गए। ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये मोज वाले बता रहे किस तरीके से आपके इसमें ओके व्यूज़ आ सकते हैं और फॉलोअर्स आएंगे। सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। यूज़ ओरिजिनल वीडियोस आइडिया, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो भी आप वीडियोस बनाते हैं ओरिजिनल वीडियोस, यहाँ पर आपको दिखाई सिंतु कुमार, अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ तो सिंतु कुमार में देखिए सिर्फ लिखा लिखा कुछ कुछ है, जबकि अवेश दरबार मोज में है तो इसके सामने एक राइट टिक यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको रॉन्ग यहाँ पर राइट। तो सबसे पहले ओरिजिनल वीडियोस आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा ऐड इंस्ट्रक्शन कैप्शन एंड रिलेवेंट हैशटैग, हैशटैग तो लगाना है इसके साथ साथ कैप्शन, जिसके फॉर एग्जांपल मेरा वीडियोस है ऐप से रिलेटेड, अब मैं जिसके मोज तो मोज फॉर क्रिएटर ऐसा मैंने लिखा, उसके बाद हैशटैग लगाया ट्रेंडिंग मोज फॉर क्रिएटर हैशटैग, मेरा खुद का हैशटैग लगा, इस तरीके से हैशटैग लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फोटो भी दिखाई दे रही है। इंटरव्यू द यूज़र इन 5 सेकंड, ठीक है, कम से कम 5 सेकंड में है ना वो जो जिसका भी वीडियोस है उसका भाई चेहरा कैमरे में आना ज़रूरी है, मतलब एज ए होस्ट का फेस कम से कम 5 सेकंड में दिखाई देना, बाकी चीज़ दूसरे भी आप कर सकते हैं। अवॉइड वाटरमार्क ऑन योर वीडियोस, ये देखिए टिकटॉक का दिखाई दे रहा है, एमएस टकाटक का, चिंगारी का, टिकी ऐप्स का, कोई भी वाटरमार्क इसमें नहीं दिखना चाहिए। अगर वाटरमार्क दिखेगा तो उसके वीडियोस आपने इसमें डाले इनको पता चल जाएंगे, तो इससे आपको कभी भी व्यूज़ नहीं मिलेंगे ना आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। पोस्ट हाई क्वालिटी वीडियोस, हाई क्वालिटी वीडियोस डालते जाइए, जिसके आपको यहाँ पर दिखा रहे लो क्वालिटी जाए और इन्होंने जो डाले हाई क्वालिटी जाए। रिंग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके मेरा फेस क्लियर दिखाई दे रहा है। रिंग लाइट के साथ साथ अगर आपको लगा तो नेचुरल लाइट, दिन के समय भी आप वीडियोस बना सकते हैं। शूट योर वीडियोस इन द वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये जो मोबाइल है आपका इस तरीके से आपको शूट करने का 9:16, बहुत बार लोग क्या करते हैं इस तरीके से शूट करते हैं, ये नहीं चलेगा आपका कभी भी मोबाइल इस तरीके से, 9:16 का रेशियो होना चाहिए। ओके, जिसे कि आपको यहाँ पर फोटोज़ भी दिखाई दे रही है। कैप योर वीडियोज़ द 15 to 20 seconds, ओके आपकी वीडियोज़ 15 to 20 seconds के बीच में आप अच्छे से बनाइए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम बना रही है 6-7 सेकंड का, या बड़ा बना सकते हैं जितने भी आपको टाइम दिया हुआ है। अवॉइड पोस्टिंग डुप्लीकेट वीडियोज़ अंडर सेम अकाउंट, ठीक है, डुप्लीकेट वीडियोज़ एक अकाउंट आपके पास है उसमें क्या करना है, आपने दूसरे वीडियोज़ डाले, फिर आपको लग रहा है एक वीडियोज़ मेरा वायरल हो गया, वही वीडियोज़ आपने दोबारा डाल दिया, डुप्लीकेट वीडियोज़ हो गया आपका, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। डू नॉट पोस्ट इनकम्प्लीट वीडियोज़, अब आप कुछ स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी आधी हुई और आपका वीडियोस खत्म, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अरे यार आधी स्टोरी क्या, फुल स्टोरी बताना चाहिए, डांस सिखा रहे स्टेप बता रहे पूरा बताइए, तो इस तरीके से आपका इनकम्प्लीट वीडियोस नहीं होना चाहिए, वीडियोस होना चाहिए तो फुल्ली कंप्लीट। फॉलो मोच प्लेटफॉर्म कम्युनिटी गाइडलाइंस, नो सेक्शुअल वायलेंट अब्यूसिव कंटेंट इस्तेमाल नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया पोर्नोग्राफी न्यूडिटी से रिलेटेड भी नहीं, कपड़े पूरे पहनिए, अच्छे से वीडियोस बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग ही दिखाई दे रहा है आपको। डिस्कवर ट्रेंडी म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक लाइब्रेरी और यूज हाई क्वालिटी ओरिजिनल ओरिजिनल ऑडियो, अगर आप इस्तेमाल कर रहे खुद का म्यूज़िक तो हाई क्वालिटी होना चाहिए, वरना आप क्या कर सकते हैं म्यूज़िक लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा मोज के म्यूज़िक लाइब्रेरी में। उसके बाद मेक योर प्रोफाइल इंटरेस्टिंग विद कूल प्रोफाइल पिक्चर, कूल प्रोफाइल फोटो लगाना चाहिए, मोज का लगा देते ऐसा नहीं लगाना है भाई, खुद की फोटो लगाना है, हैंडल नेम एंड बायो, उसके साथ साथ आपका नाम हैंडल कीजिए, बायो में लिख लिए, इंस्टाग्राम की लिंक डाल सकते हैं, वहाँ पर दी भी है, और उसके साथ साथ वेबसाइट या कुछ लिख सकते हैं, आई एम इंटरेस्टिंग इन द ब्लॉगर, जो भी लिखना है। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द चैलेंज एंड ट्रेंड, ट्रेंड चैलेंज जो भी चलता है उस पर पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिस्किट चैलेंज है वैसे आपको बैनर पे एक से एक इवेंट दिखाई देने लग जाएंगे। गेट क्रिएटिव विथ मोज लेंस, अब देखिए इफेक्ट, इफेक्ट का इस्तेमाल, फिल्टर का इस्तेमाल, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ ऑलवेज शेयर योर फोटो विथ योर फ्रेंड, वे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये शेयर कर सकते हैं। आपने जो वीडियोस बनाए हैं मोज पर, बहुत मेहनत से बनाते हैं, उसके बाद शेयर करेंगे तो वो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वो भी मोज पर आएंगे। आपकी वीडियोस पसंद करेंगे तो आपको क्या करेंगे, फॉलो भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे और आपके वीडियोस फॉरी पे जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बी एक्टिव, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट। एक्टिव रहिए, हमेशा रहिए इसमें मोज के साथ, कंसिस्टेंट रहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन आगे, दो दिन आगे, उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, हमेशा रहिए। पेशेंट, सब्र से काम कीजिए, आपको सब चीज़ ज़रूर मिलेंगी। तो मैं क्या कर देता हूँ इसे, तो अभी यहाँ से बंद कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल एज़ अ इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।